सर प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज हम आधे घंटे की बातचीत करेंगे और इसके बाद दूसरे चरण के अंतर्गत सार्थक संवाद के तहत प्रसिद्ध कथावाचक पंडित विजय शंकर मेहता से सीधी बातचीत सार्थक संवाद के तहत करेंगे। पहले चरण में हमारी बातचीत होनी है आज पाकिस्तान में जिस प्रकार का वातावरण बना है उसको लेकर। पाकिस्तान में पिछले दिनों पेशावर इलाके में एक मस्जिद में फिदायन हमला हुआ। उस फिदायन हमले में तकरीबन 150 से ज़्यादा लोग मारे गए। मारे गए लोगों में बड़ी संख्या पुलिस वालों की थी। बताया जा रहा है तकरीबन 97 पुलिस वाले इस फिदायन हमले में मारे गए, कई लोग घायल हुए। हमला जौहर नमाज के दिन हुआ। इस घटना की बड़ी तीव्र प्रतिक्रिया है। पाकिस्तान के जो वर्तमान में गृह मंत्री हैं राणा सनाउल्ला, उन्होंने कहा ये हमारे ही किए हुए कर्मों का नतीजा है, हमने किसी समय पर मुजाहिदीन तैयार किए थे और आज वह आतंकी बन गए। तब से बवाल मचा हुआ है। ये जो मुजाहिदीन है इसके संदर्भ में अगर आप शब्दकोश में डालेंगे तो ये जिहादी युवक के संदर्भ में उपयोग किया जाता है, अल्लाह के लिए लड़ने वाले के तौर पर प्रयोग किया जाता है। पर ये अल्लाह के लिए लड़ने वाले कब अपने ही लोगों के खून के प्यासे हो गए, इसको लेकर पाकिस्तान परेशान है। पर पाकिस्तान बताता है कि ये मुजाहिदीन जो हैं वो सोवियत संघ और अफगानिस्तान के बीच में जब लड़ाई चल रही थी, वहां पे जो द्वंद्व चल रहा था, उस दौरान तैयार किए गए थे। पर भारत के संदर्भ में अगर बात करें तो भारत मानता है कि कश्मीर में जिस प्रकार के आतंकी हमले हुए हैं वो सब पाकिस्तान के द्वारा प्रायोजित रहे हैं और उनको भी मुजाहिदीन कहकर ही संबोधित किया जाता रहा है। तो राणा सनाउल्लाह आज जो परेशान हैं, हैरान हैं, निराश हैं, खीजे हुए हैं, तो वो केवल अफगानिस्तान के संदर्भ में है या भारत के संदर्भ में होने वाली कार्रवाइयों को लेकर भी उनकी इतनी ही नाराजगी है। दूसरी बात ये जानने में, पिछले कुछ समय से दुनिया में वातावरण बना हुआ है कि आतंक को पोषित करने में पाकिस्तान की बड़ी भूमिका रही। अब बदले हुए वक्त में, बदले हुए दौर में शहबाज शरीफ की सरकार के मंत्री अगर ये खुलकर स्वीकार कर रहे हैं ये हमारी गलती का नतीजा है, तो क्या आने वाले समय में बदलाव की उम्मीद हम कर सकते हैं? क्या पाकिस्तान खुद अब एक बड़ी परेशानी में गिर गया है, इसलिए अब नए सिरे से अपने आप को खड़ा करने की कोशिश कर रहा है? क्या उम्मीद करें कि अब दुनिया में इस्लामिक आतंकवाद को लेकर जो तमाम बातें होती हैं उसमें पाकिस्तान बदले हुए स्वरूप में दिखाई देगा? तो ऐसे कई गंभीर मसले हैं। या कुल मिलाकर पाकिस्तान की सियासत में जिस प्रकार की अस्थिरता का वातावरण है उसके चलते ये एक तात्कालिक प्रोपेगेंडा है, इसके अलावा कुछ नहीं, यह भी सवाल है। तो हमारे साथ इस महत्वपूर्ण चर्चा का हिस्सा बनने के लिए तीन खास मेहमान मौजूद हैं जो पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। उनसे आपका परिचय कराएं और अंतर्राष्ट्रीय सियासत से जुड़े हुए इस गंभीर मसले पर कुछ गंभीर बात करें। उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र कहता है कि द टेरिबल थिंग्स अबाउट टेररिज्म इज दैट अल्टीमेटली इट डिस्ट्रॉयज दोज हु प्रैक्टिस। अर्थात आतंकवाद के बारे में भयानक बात यह है कि अंततः ये उन्हें नष्ट कर देता है जो इसका अभ्यास करते हैं। टेरी वेट जो मानवतावादी और अमेरिकी लेखक रहे उन्होंने ये बात कही थी। क्या पाकिस्तान को ये आत्मबोध हो रहा है कि जिन्हें हम मुजाहिदीन कहकर किसी समय तैयार किए थे अब वो हम ही को खत्म करने पर आमादा हैं? क्योंकि पेशावर में जो हमला हुआ है उसके संदर्भ में पहले एक कमांडर ने दावा किया था कि वो तहरीके तालिबान पाकिस्तान के द्वारा किया गया हमला है, पर बाद में उनके प्रवक्ता ने इनकार किया कि नहीं नहीं हम मस्जिद में हमला नहीं करते, बाकी जगह पे करें। तो इसे जहन में रखते हैं। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए तीन खास मेहमान हैं। हमारे साथ उजमा कारदार जी हैं जो विधायक हैं पीटीआई पाकिस्तान की, पाकिस्तान तरीके इंसाफ पार्टी की ओर से। हमारे साथ राणा अली जोहेब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, पाकिस्तान के ऐसे नाजुक मसलों पर समय समय पर हमारे साथ जुड़ते रहते हैं। और साथ ही हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड जीएस सोढ़ी साहब हैं। आप तीनों का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत मैं राणा अली जोहेब साहब से करना चाहता हूं और उनसे ही समझना चाहता हूं कि पाकिस्तान के गृह मंत्री का यह बयान कि उस वक्त तो हमने मुजाहिदीन बनाए थे लेकिन वे आतंकी बन गए, क्या समझ पा रही है पाकिस्तान की जनता इस बयान के, और क्या समझे पाकिस्तान से बाहर के लोग इस बयान के मायने? बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब। मैं आपकी ये बात जो है इसको एक वाक्य के साथ जोड़ता हूं कि मैं यूनिवर्सिटी में जब मैं स्टडी कर रहा था तो मेरे टीचर थे जो आर्मी से रिटायर्ड थे, कर्नल रैंक के थे, उनसे हमें ये पता चला, ये इसी मुजाहिदीन के बारे में, ये बड़ा अच्छा मौजू आपने आज चुना है बेसिकली बात करने के लिए, तो इस पे हमारी उनसे बात हुई। तो हमारे ना पाकिस्तान में एक किरदार गुजरे हैं पाकिस्तान आर्मी के, ब्रिगेडियर सुल्तान अमीर तारड़ जी, उनका ये पूरा नाम है जी, लेकिन उनका एक निक नेम है कर्नल इमाम, मतलब कि वो कर्नल इमाम के नाम से जाने जाते हैं। अब वो शख्सियत थी कि जिनको ये टारगेट दिया गया था कि उन्होंने मुजाहिदीन को तैयार करना है, मतलब जिनकी आज हम बात कर रहे हैं टीटीपी की, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान,
उनके सगे छोटे भाई मेरे टीचर थे, तो जी इसलिए मैं उनके साथ अक्सर ये बातें करता था। तो हमारे पास ये बिल्कुल एग्जैक्टली जो हमारे इंटीरियर मिनिस्टर साहब ने बात की है कि ये वही लोग हैं जिनको हमने बजाते खुद अपने हाथों से तैयार किया। लेकिन इशू ये हुआ कि जिस मकसद के लिए हमने उनको तैयार किया, जब वो हमारा मकसद पूरा हुआ तो चूंकि ट्रेनिंग उनकी हो चुकी थी, उनके जहन में ये चीजें बिठा दी गई थी, उसके बाद हमने उनको छोड़ दिया। जी चाहिए ये था कि जैसे हमने उनको लड़ाई के लिए ट्रेन किया, वैसे जब लड़ाई खत्म होगी तो वैसे ही उनको ट्रेन किया जाता वापस अपनी जिंदगियों को उसी तरह से गुजारने के लिए, नॉर्मल जिंदगी, आप जैसे मैं और आप हैं इस तरह की जिंदगी गुजारने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं किया गया, जिसकी वजह से वो लोग, वो जो असरात हैं, वो जो निशानात हैं, वो आज भी कायम दायम है। लेकिन यहां में मसला ये है कि सिर्फ मीडिया हमारा ये दावा कर रहा है, या आप जैसे और मेरे जैसे लोग ये दावा कर रहे हैं कि ये उन्हीं लोगों का काम है, टीटीपी का काम है, लेकिन वो अपने ऑफिशियल लेटर हेड पे इस चीज जी की तरदीद कर चुके हैं कि हमने ये काम नहीं किया। जी लेकिन जैसे कि आपको भी याद होगा कि हमारे पिशावर में ही एपीएस आर्मी पब्लिक स्कूल में 2014 में एक इंसिडेंट इसी तरह का ही हुआ था, काफी जिसमें बड़ा था, जिसमें मासूम 100 से ज्यादा बच्चे मारे गए थे। एग्जैक्टली यही बात थी। और उसके बाद, उससे पहले हम डावाडोल थे, हम जी ये फैसला नहीं कर पा रहे थे कि इनमें से अच्छे कौन हैं और बुरे कौन हैं, जिसकी वजह से हम एक्शन नहीं ले पा रहे थे। तो वो एक इंसिडेंट ऐसा था कि जिसमें हमने ये फैसला किया कि अब तालिबान में से कोई भी अच्छा नहीं है, कोई भी बुरा नहीं है, जी सबको एक ही नजर से देख के उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। तो जी बदकिस्मती ये थी कि उस वक्त ऑपरेशन शुरू हुआ, जनरल रईस शरीफ साहब ने स्टार्ट किया, इन जी लोगों के खिलाफ ऑपरेशन हुआ और पाकिस्तान से दहशतगर्दी खत्म हुई। जी लेकिन इस वक्त जब से इमरान खान की गवर्नमेंट जो है वो खत्म की गई है, रजीम चेंज हुआ है, अफगानिस्तान से अमेरिकन फौज को बाहर निकाला है, उस टाइम से लेके अब पाकिस्तान के अंदर ये कार्रवाइयां फिर से शुरू हो चुकी हैं। और इसकी मेन वजह जो है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान लगने वाली फेंस है, वो फेंस जो पाकिस्तान आर्मी लगा रही है पर मैं बॉर्डर के राणा ऊपर। साहब थोड़ा इसको अलग नजरिए से आपके साथ बातचीत में लाना चाहता हूं। ये कितनी सही बात है कि आप अपनी जनता को तैयार करें ऐसी लड़ाई के लिए और उसके हाथ में हथियार थमा दें कि दूसरे देश में जाओ और वहां पर इस प्रकार की लड़ाई लड़ो। इसी को लेकर तो शिकायत रही दुनिया की पाकिस्तान के साथ में, भारत की विशेष तौर पर रही, क्योंकि भारत का ऐसा मानना है कि पाकिस्तान में प्रशिक्षित लोग कश्मीर में दाखिल होकर दहशतगर्दी फैलाते हैं, आतंकी घटनाओं को अंजाम देते हैं। क्या आप नहीं मानते हैं कि पाकिस्तान के द्वारा अपने ही नवयुवकों को इस प्रकार से तैयार करके दूसरे देशों में भेजने का जो काम हुआ, आज वह गुनाह के तौर पर उसके सामने आया? डॉक्टर साहब, ये आप देखिए, मैंने जैसे पहले गुजारिश की है कि इससे कोई भी इनकारी नहीं है, ना जी मैं इनकारी हूं, ना हमारी गवर्नमेंट इनकारी है, और ना ये पाकिस्तान इस बात से इनकारी है कि ये वो लोग हैं जिनको हमने खुद ही तैयार किया। जी लेकिन ये वो आज तो आज वक्त नहीं है, ये वो आज हम तैयार नहीं कर रहे हैं, ये आज से तो 20 साल, 25 साल, 30 साल पुरानी बात है। जी लेकिन जाहिर सी बात है कि देखें, जब एक चीज आप कर देते हैं, जब एक लोगों को ट्रेन कर देते हैं, तो क्या वो लोग आज भी मौजूद हैं? उनके असरात, उनके आसार आज भी मौजूद है। तो इसलिए हमें, जैसे मैंने पहले गुजारिश की कि ये हमसे हो तो गया, और ये वही चीज है, क्योंकि कर्नल इमाम साहब उन्हीं लोगों ने, उन्हीं दहशतगर्दों ने उनको मारा था जिनको उन्होंने ट्रेन किया था, उन्होंने ही उनको शहीद किया था, जिनको, जिन लोगों ने उनको अपने जिनको उन्होंने इमाम का तैयार किया था। मैं इसे समझना चाहता हूं, तो मेरे साथ उजमा कारदार जी हैं, एक सरकार के जिम्मेदार पद पर बैठे हुए व्यक्ति के द्वारा यह स्वीकार किया जाना, ये हमारे ही तैयार किए लोग हैं, आज हम ही को परेशान कर रहे हैं, इसके मायने क्या है उजमा जी? क्या ये अंदर से आई हुई आवाज है या सियासी तौर पर इसका बड़ा फायदा मिलना है उस सरकार को, जो सरकार कब गिर जाएगी पता नहीं है, वो सरकार कब गिरा दी जाएगी पता नहीं है, वो सरकार लोगों की निगाह से कब की उतर चुकी है इसका पता नहीं है, उसके तहत कहा गया है क्या इसके पीछे? जी? शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया अपने प्रोग्राम में। जी देखें, ये आपके, हमारे जो मेहमान हैं, एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव इन्होंने आपको दिया और इन्होंने कुछ बातें की जो कि बिल्कुल सही थी। लेकिन एक बात जो इनसे मिस हो गई, जो आप बार बार कह रहे हैं कि जी आपने उनको ट्रेन किया, आपने उनको तैयार किया और अब वो आप ही के गले पड़ गए हैं, तो ये यहाँ पे एक थोड़ा सा एक नुक्ता है जिसको जेरे गौर लाने की जरूरत है। जी इनकी जो तालिबान की जो ट्रेनिंग हुई थी, उस वक्त इनको मुजाहिदीन कहा गया था, और
और इनकी ट्रेनिंग की थी अमेरिकन हमारे जो फौज है उसने की थी, और वो कोल्ड वॉर का जो ईरा था जहां पे वो सोवियत यूनियन को तोड़ने के चक्कर में और उसको खत्म करने के चक्कर में अमेरिका ने इनकी ट्रेनिंग की थी उनके खिलाफ जी। जब उनको वो मकसद पूरा हो गया तो उसके बाद फिर उन्होंने उनको उनको बिल्कुल उनके हाल पे छोड़ दिया, और उनके हाल पे छोड़ दिया तो जाहिर है वो हमारे मुल्क में थे, और उसके बाद जो था वो उस वजीरिस्तान के इलाके में चले गए जो कि उस वक्त हमारा हिस्सा उस तरह से केपी में जम नहीं हुआ था, और वहां पे उन्होंने चूंकि उनके पास और तो कोई सिलसिला नहीं था, वो सिर्फ एक बंदूकों को जानते थे और एक ट्रेनिंग उनकी जो जंगजू होने की ट्रेनिंग थी, तो वहां से जब उन्होंने कार्रवाइयां शुरू की तो फिर उसके बाद हमारी अफवाज ने दो ऑपरेशन किए, एक रद्दुल फसाद और एक ज़र्ब अज़ब, और ये इन तमाम लोगों को वहां से खाली करके तो इनको खत्म किया, वहां पे इनके अड्डे सारे तबाह किए और फेंसिंग की जो कि दुरन लाइन पे पहले कभी नहीं थी क्योंकि इनका आना जाना जो था उस पे कोई कंट्रोल नहीं था। अब सूरत हाल ये है कि बिल्कुल हमारे ये कुछ ऐसे लोग थे जिनको सजाए मौत दी गई थी जो कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान के पकड़े हुए थे। हमारी हकूमत ने ये पिछले एतवार में जब इमरान खान, और मैं चूंकि मैं अब पीटीआई में नहीं हूँ, मैं पीएमएलएल में हूँ, तो मैं थोड़ा सा आपको ये भी करेक्ट करती जाऊं, हुआ यूं था कि इनको रियासत ने जब कहा कि जी इनको हम एक आम माफी देते हैं और हम चाहते हैं कि ये जो है दोबारा एक आम जिंदगी गुजारें, तो वो बिल्कुल गलत बात थी। जो जिनके खिलाफ जो सजाए मौत जिनको मिली थी और जिनके खिलाफ दहशतगर्दी जो थी वो उसके वाकयात का के सबूत सामने आ गए थे, ऐसे लोगों को जो है फिर निकालना जेलों से और उनको छोड़ देना जो था वो गलती थी, वो नहीं करनी चाहिए थी। मेरे दो सवाल आपसे हैं, गलती केवल इतनी थी कि उनको माफी दे दी गई, या आप मानती हैं कि पाकिस्तान से बहुत बड़ी गलती हुई? गलती ये हुई कि अपनी जमीन को दूसरे देशों को इस्तेमाल करने की याद दी गई। एक स्वयं प्रभु मुल्क पाकिस्तान, स्वयं की सत्ता के द्वारा संचालित पाकिस्तान, उसने अमेरिका को यह सहूलियत उपलब्ध कराई कि आप हमारी जमीन का इस्तेमाल करो, हमारे लोगों का इस्तेमाल करो और अपनी लड़ाई में उनका उपयोग करो। क्या आप नहीं मानती हैं कि पाकिस्तान मोहरा बना और वो मोहरा आज उसकी परेशानी का सबब बना? आप भी अमेरिका के साथ उसी तरह, हमें उस प्रॉक्सी वॉर का हिस्सा नहीं बनना चाहिए था। हम सारे मानते हैं कि वो प्रॉक्सी जंग थी और उस प्रॉक्सी वॉर का हमें हिस्सा नहीं बनना चाहिए था, और अब हमने बिल्कुल ये अजम किया हुआ है कि पाकिस्तान किसी प्रॉक्सी वॉर का अब हिस्सा नहीं बनेगा। और अब जो इस वक्त जो आप, मैं ये भी कहना चाहूंगी कि जो खरासानी ग्रुप है उन्होंने कहा है कि जी हमने किया है, जो एक आतंकवादी होता है, जो एक टेररिस्ट होता है, उसका कोई मजहब नहीं है, उसका कोई दीन नहीं है, उसका कोई मुल्क नहीं है, उसका कोई ईमान नहीं है, वो सिर्फ जो है वो एक बुज़दिल शख्स होता है। और ये टेररिज्म जो है इससे हमने 70,000 जाने जो है वो गवाई है पाकिस्तान में। अब आपके इंडिया में भी टेररिज्म होता है, पूरी दुनिया में होता है। 9/11 हुआ था, मेरे ख्याल में पूरी दुनिया को इकट्ठे मिलके सर जोड़ के बैठना है कि इस लानत से हमने कैसे छुटकारा हासिल करना है। एक और नाजुक सवाल है आपसे, मैं भारत में बैठा हूं और भारत में इस बात को लेकर एक वातावरण है, मानसिकता है, धारणाएं नहीं यकीन है कि कश्मीर में जो कुछ भी आतंकी हमले होते हैं वो दरअसल पहले के इन्हीं मुजाहिदीन और अब जो आतंकी के तौर पर पाकिस्तान मान रहा है इन्हीं के द्वारा होते हैं। पाकिस्तान में ही मौजूद वो अड्डे जहां पे ये प्रशिक्षित होते हैं और आकर हिंदुस्तान में हिंसक वारदातों को अंजाम देते हैं। क्या उम्मीद कर सकता है भारत कि अब जब पाकिस्तान को लग रहा है ये गलत है, हमारी जमीन इस प्रकार के कामों के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकती, ये हमारे लिए समस्या हो रहे हैं, तो क्या कश्मीर के संदर्भ में हम उम्मीद करें अब ऐसी वारदातों में पाकिस्तान की भूमिका नहीं रहेगी? आप
पे जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है, वो जो आपने 7 लाख फौज वहां पे रखी हुई है, उसकी वजह से ह्यूमन राइट वायलेशन हो रही है। अब यूएन मिशन की आप जो ह्यूमन राइट्स की जो रिपोर्ट पढ़ने 2018-19-20 की, उसमें आपको नजर आ जाएगा कि आपके फौजी जो है वहां पे कितना जुल्म कर रहे हैं, कितना रेप हो रहा है, कितने बच्चों पे पैलेट गन से फायरिंग हो रही है। तो वो अपनी आजादी की जंग लड़ रहे हैं, हमारा उनसे, हम सिर्फ चूंकि एक मुसलमान होने की हैसियत से यूएन रेजोल्यूशन हम चाहते हैं कि आप उनको हक खुद इरादियत दें, इसलिए हम उनके पीछे खड़े हैं। वरना हमारा वहां पे उधर दाखिल होना, ये आप लोग तो चिड़िया भी एक मरती है तो उसको पाकिस्तान के गले डाल देते हैं, तो ये जो है इल्जाम तराशियों से तो कुछ नहीं बनेगा। अब आप मेरा कतई इल्जाम नहीं है उजमा जी, आपके ही देश के गृह मंत्री ने माना कि हमारे यहां मुजाहिदीन तैयार हुए जो अफगानिस्तान में गए, ये 30-40 साल बाद पाकिस्तान का एक जिम्मेदार मंत्री इस बात को स्वीकार कर रहा है। कश्मीर के संदर्भ में ये आज स्वीकार नहीं किया जा रहा, पर आपने अभी कहा कि आतंक तो आतंक है, आतंकी घटनाएं तो आतंकी घटनाएं हैं, तो इसलिए आपसे एक सवाल कर लिया, क्या कश्मीर के संदर्भ में भी इस प्रकार की बात को आप मानते हैं, या कश्मीर में जो कुछ हो रहा है वो आतंकी घटनाएं नहीं है, पाकिस्तान में मस्जिद में विस्फोट हुआ ये आतंकी घटना है, दोनों में अंतर? देखिए, वहां पे आपके 7 लाख फौज है, आपके फौज जो है वो ह्यूमन राइट्स वायलेशन कर रही है, वहां पे कौन से टेररिस्ट हैं? वहां पे तो आप रोज जो है कश्मीरी यूथ को आप शहीद करते हैं, आप उनके वो आपके फौजी वो ख्वातीन को रेप करते हैं और पूरी दुनिया। दिक्कत ये है कि ऐसे ही पेशावर के इलाके के संदर्भ में या सीमावर्ती इलाकों में पाकिस्तान की हुकूमत को लेकर जो लोग ये सारी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, वो भी बता रहे हैं हम इंसानियत की लड़ाई लड़ रहे हैं, हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, द्वंद है। मैं सोड़ी साहब आपके पास आना चाहता हूं, क्या देख पा रहे हैं आप, बदलेगा पाकिस्तान का तौर तरीका? क्योंकि हमारे साथ में उजमा जी हैं, वो कश्मीर के संदर्भ में साफ इंकार कर रहे हैं, इसमें हमारी कोई विकल्प, तो एक इस्लामिक देश है, वहां के मुसलमानों के साथ खड़े हैं, पर इन घटनाओं में हमारी कोई भूमिका नहीं, पर पाकिस्तान में अब जो कुछ हुआ है, जिस प्रकार की घटनाएं हुई हैं, इसको लेकर सवाल है, जो आतंकी कश्मीर में अपहरण के माध्यम से छुड़ाए जाते हैं कंधार में विमान लेकर, वो सब पाकिस्तान में शरण पाते हैं, फिर भी उजमा जी का इंकार है कि हमारी कोई भूमिका नहीं, क्या कहते हैं सोड़ी साहब, सच क्या है? जय हिंद डॉक्टर हिमांशु, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। 1971 की युद्ध के बाद जब भारत ने पाकिस्तान को हराया और एक नया देश बना बांग्लादेश, तब पाकिस्तानी हुकूमत और पाकिस्तानी सेना में एक चिंता की बात आई कि यदि दोबारा ऐसा युद्ध होता है और भारत अफगानिस्तान के साथ मिलकर एक युद्ध करता है पाकिस्तान पे, या भारतीय सेना पाकिस्तान को चीरते हुए अफगानिस्तान के साथ लिंकअप करती है, तो वो पाकिस्तान के लिए एक नई मुसीबत पैदा होगी। इसके लिए पाकिस्तानी सेना ने दो नीतियां अपनाई। सबसे पहले नीति थी ब्लीड इंडिया इनटू 1000 कट्स, जिसका मतलब था कि भारत के ऊपर 1000 घाव करो कि वो उस पर खून बहता रहे। और ये आज तक पाकिस्तानी सेना के स्टाफ कॉलेज जो क्वेटा में है, वहां पे पाकिस्तानी सेना के अफसरों को ये नीति पढ़ाई जाती है। दूसरी, पाकिस्तानी सेना ने ये नीति बनाई कि भारत और अफगानिस्तान के बीच के रिश्ते खराब करने चाहिए, और तभी उन्होंने अफगानिस्तान में कट्टरपंथियों को बढ़ावा देना शुरू किया, जिसकी बदौलत ये हुई कि जैसे मेरे दोनों विख्यात को पैनल्स ने सही कहा कि पाकिस्तानी सेना ने मुजाहिदीन को ट्रेन किया और यही मुजाहिदीन आतंकवादी बन गए। 11 अक्टूबर 2001 को अमेरिका की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हिलरी क्लिंटन जब पाकिस्तानी दौरे पे थी, तो उन्होंने कहा था कि हमें याद रखना चाहिए कि जो लोग अपने घर के पीछे सांप रखते हैं, ये सांप उन्हें भी एक दिन डस सकते हैं। ये उन्होंने कहा था पाकिस्तान जो आतंकवादियों को सपोर्ट दे रहा था, और यह बात बिल्कुल सच्ची हुई। पाकिस्तान में वही आतंकवादी जिन्होंने जिनको पाकिस्तानी हुकूमत और सेना ने बढ़ावा दिया था, उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर हमले करने शुरू कर दिए। और बात यहां तक बिगड़ गई कि पिछले साल 31 दिसंबर को तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा में अपनी सरकार का ऐलान किया। डॉक्टर मांशु जी, जहां तक आपका प्रश्न है, इसका जवाब सीधा ना है, क्योंकि पाकिस्तान कभी आतंकवादियों से दूर रह नहीं सकता है, उसके लिए कश्मीर एक ऑब्सेशन है जी। और जहां तक एक विख्यात को पैनल ने भारतीय सेना के बारे में कुछ टिप्पणियां की, मैं उनसे बिल्कुल एग्री नहीं करता। मैं खुद 2 साल जम्मू कश्मीर के पट्टन इलाके में था, हर कश्मीरी नागरिक का वहां पे इज्जत के साथ सम्मान किया जाता है।
अगर आप वहां के लोकल लोगों से पूछेंगे, वो पूरे भारतीय सेना के साथ हैं। पाकिस्तानी सेना इस कश्मीर मुद्दे को कभी खत्म होने नहीं देगी। 2004 में हसन अब्बास ने किताब लिखी थी पाकिस्तान ड्रिफ्ट इनटू एक्सट्रीमिज्म, जिसमें उन्होंने लिखा था कि पाकिस्तान की राजनीति 3A के ऊपर चलती है, अल्लाह, अमेरिका और आर्मी। पाकिस्तानी सेना जानती है कि यदि ये कश्मीर मुद्दा खत्म हो गया, उनको जो इतने पैसे मिल रहे हैं वो बिल्कुल नहीं मिलेंगे। हमने देखा कि 1998 में, तब जब भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और नवाज शरीफ ने एक डील स्ट्राइक करने की कोशिश की, उसके कुछ महीने के बाद पाकिस्तानी सेना ने कारगिल युद्ध कर दिया। तो जहां तक आपका सवाल है, पाकिस्तानी सेना कभी ये आतंकवाद खत्म होने नहीं देगी, चाहे उनके कितने लोग मरे, कितने नागरिक मरे, ये सिर्फ एक दिखावा है। पाकिस्तान का टेररिज्म को सपोर्ट चलता रहेगा जब तक पाकिस्तान दो बड़ी चीजें नहीं करता है। पहला, रिलीजन को अपने गवर्नमेंट से दूर नहीं करता है। दूसरा, पाकिस्तानी सेना को अपने बैरक्स में नहीं भेजता है। तब तक पाकिस्तान का हाल बद से बदतर होता रहेगा। तो कुल मिला के जय सोढ़ी की स्पष्ट तौर पर राय है, उन्होंने कश्मीर के संदर्भ में भारतीय सेना के लेकर जो आरोप उजमा कारदार जी ने लगा उन्हें खारिज किया। स्वाभाविक है, उजमा जी को ये आरोप लगाने थे, सोढ़ी साहब को खारिज कर देते। पर हमारे लिए मसला ये नहीं है, मसला ये है कि क्या वाकई पाकिस्तान आतंकियों के संदर्भ में एक सख्त रुख अपना सकता है। कश्मीर में उसे आज़ादी की लड़ाई दिखाई देती है और खैबर में जो कुछ हो रहा है वो आतंकी घटना दिखाई देती है। तो इस फर्क के साथ में समाधान कैसे निकलेगा? राणा जोय साहब, आपसे समझना चाहूंगा, दोनों चीजों को अलग अलग दृष्टि से देखेंगे। वहां पे चली गोली ईमान के लिए है और यहां पर चली हुई गोली अमन के लिए खतरा है, कैसे बात बनेगी? डॉक्टर साहब देखें, यहां पे एक चीज मैं क्लियर आपको कर दूं कि जो कश्मीर का एक इशू है ना, जो कश्मीर का एक मुद्दा है जी, वो एक टोटली अलहदा है। उसका आप टेररिज्म के साथ किसी किस्म का उसको लिंक नहीं कर सकते हैं। देखिए, आपने जैसे गुजारिश की, जैसे हमारे मौजूद मेंबर ने भी कहा कि वो 2 साल वहां पे रहे हैं, मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन है, उन्हीं से क्वेश्चन है, आपसे भी क्वेश्चन है। अगर आप 2 साल वहां पे रहे हैं और कश्मीर की आवाम अगर इंडियन आर्मी के साथ है या वो उनकी बैग पे खड़ी थी, तो जब 35 से 370 आपने लगाया था तो कर्फ्यू लगाने की जरूरत क्यों महसूस की आपने, जबकि आवाम तो फौज के साथ थी? आपने क्यों कर्फ्यू लगाया, क्यों लोगों को अंदर बंद किया, क्यों सारा कुछ किया अगर वो आपके साथ थे? तो अगर आपने कर्फ्यू लगाया तो इसका मतलब है कि वहां पे हकायक कुछ और है जो आप दुनिया को नहीं दिखाना चाहते, नंबर वन। नंबर टू ये है कि जैसे मैंने गुजारिश की कि इस तरह के दहशतगर्द हमलों में, और जो आप कश्मीर की बात करें, देखो कश्मीर में जो कुछ हो रहा है वो ये तालिबान नहीं कर रहे हैं, वो कश्मीरी खुद कर रहे हैं, अपनी आजादी की लड़ाई वो खुद लड़ रहे हैं, ठीक है। उसमें हमारा ये मौकफ है कि जैसे आपका मौकफ है ना, आपने 370 35 से खत्म करके ये कहा कि ये हमारा हिस्सा है, इसको हम रखेंगे अपने पास, इसी तरह उस पर वही हक और वही जो उसके ऊपर जो चीज है वो हमारी है, वो पाकिस्तान भी उसको यही चाहता है कि ये हमारा है और आप कहते हैं कि हमारा है। अब इसका 2 तरीके हैं, या तो जो इंटरनेशनल कम्युनिटी में यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशंस हैं उसके मुताबिक काम किया जाए, या आप वहां पे रेफरेंडम करवा दें। अब रेफरेंडम के लिए जब बात आती है तो वहां पे दोनों मुल्क ही आगे नहीं बढ़ते हैं। हम तो अल्फाज में तो हम कह देते हैं, बयानों में तो कह देते हैं कि जी हम तैयार हैं, लेकिन हम अमली तौर पर कुछ नहीं कर पाते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि जो कश्मीर का एक खिता है जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो लड़ाई एक अलग लड़ाई है, उसको आप इसके साथ नहीं जोड़ सकते हैं। क्या आज तक ये भी पैगाम आया है कि तहरीक तालिबान TTP की तरफ से या कुछ इस तरह की तंजीम की तरफ से कश्मीर में जो कार्रवाई हुई है वो उन्होंने उसकी जिम्मेदारी कबूल की हो? तो कहीं ना कहीं पे देखिए, ये है तहरीक पाकिस्तान तालिबान, इधर हिजबुल मुजाहिदीन, ना मुजाहिदीन ही है। आपके इलाके में जहां आपकी हुकूमत है, जहां आपकी आपकी सरपरस्ती है, अगर वहां पर हमले हुए तो आपने कहा ये आतंकी हो गया, ये आतंकी हमला हो गया, ठीक उसी प्रकार से हिजबुल मुजाहिदीन अगर भारत में किसी चीज को अंजाम दे रहा है जिसमें मासूम मारे जा रहे हैं, बड़े पैमाने पर हिंसा हो रही है, और हमने कहा कि ये आतंकी हमला है, तो आपने कहा ये आज़ादी की लड़ाई है, तो फर्क हो गया ना कि अगर इधर गोली चलेगी, इधर बम फटेगा तो ये आज़ादी के लिए है, और उस इलाके में अगर बम फटा, 100 लोग मारे गए, पहले बच्चे मारे गए या पुलिस जवान मारे गए, तो आपको लगा ये आतंकी हमला है, क्या आपको नहीं लगता है? ये फर्क जब तक आप देखेंगे तब तक समाधान निकलेगा नहीं राणा साहब।
डॉक्टर साहब मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं कि मैंने बात जो अपनी की है ना, मैंने ये कहा है कि ये जो लड़ाई है वो कश्मीर की हद तक है। अगर कश्मीर की जगह पे कहीं पे कश्मीर की टेरिटरी में इस तरह का वाकया होता है तो वो दो हजार चौदह से पहले जिन लोगों को पाकिस्तान में कश्मीर के संदर्भ में जिनकी भूमिकाएं हैं उन्हें सवाल लेने की आजादी थी, अब आप नहीं होने दे रहे तो मतलब आतंकों के खिलाफ, आतंकियों के खिलाफ आपका नजरिया बदल गया है, तो फिर आपत्ति की बात कहां रही? हम एक ही प्लेटफॉर्म पे तो आ गए कि हाँ अब इस संदर्भ में मान पाकिस्तान ये चीजें ठीक नहीं है। जी राणा साहब, डॉक्टर साहब ये जो बातें देखिए, मैं जब से बैठा हूं मैं उस वक्त से यही बात कर रहा हूं कि ये जो फैसले हमने आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले या 40 साल पहले किए थे वो आज हमें उसका रिजल्ट मिल रहा है और हम इसको हर कदम पर ये कह रहे हैं कि ये गलत था, ये गलत है। तो राणा साहब तो आ गए इस संदर्भ में। अब उजमा जी आप मानेंगी कि जिन लोगों के ऊपर आरोप रहे, जिनकी सक्रिय भूमिका रही, जिनकी तकरीरें रही कश्मीर में दहशतगर्दी फैलाने में, आतंकी घटनाओं को विस्तार देने में, उनको एक समय पाकिस्तान में संरक्षण मिला, तो अगर आज पाकिस्तान के गृहमंत्री राणा सनाउल्लाह कह रहे हैं कि जिन्हें हमने मुजाहिदीन बनाया था वो आतंकी बन गए, तो ऐसा केवल अफगानिस्तान के संदर्भ में नहीं कश्मीर के संदर्भ में भी है। और उन लोगों को अब नजरबंद किया हुआ है, उन लोगों की कार्रवाइयों पर पाबंदी लगाई हुई है, तो बदले हुए पाकिस्तान पर दुनिया को भरोसा करना चाहिए। क्या कहती हैं आप, या अभी भी आपका इनकार है? देखिए आप जो है ना वो हकीकत से बहुत दूर हैं, इसलिए क्योंकि आपको पाकिस्तान का, हिंदुस्तान में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको वजूद हजम नहीं होता है। 75 साल गुजर गए हैं और वहां पे एक जो आजादी की जो जंग है वो अभी तक उसी तरह से उसके शोले हैं जिस तरह पहले दिन थे। आप वो उनको दुबा नहीं, आपने 7 लाख फौज वहां पे ले गए फिर भी आप उनका कुछ नहीं बिगाड़ सके, वो उसी तरह से शहीद हो रहे हैं। और जब शहीद होते तो पाकिस्तान के झंडे में अपनी जो उनके जो जिस्में खाकी है उनको ले जाके वो दफन करते हैं। तो आपने जो एक इतनी बड़ी एक जेल बना दी और वहां पे उनके तमाम इंसानी हकूक सलब कर लिए, उनका जो एक स्पेशल स्टेटस खत्म कर दिया, और सिर्फ कश्मीर में नहीं किया, आप देखें जो खालिस्तान की तहरीक इस वक्त पूरी दुनिया में चल रही है, पूरी दुनिया में रेफरेंडम हो रहे हैं, उनको भी आजादी चाहिए। आप नागालैंड में देखें जहां उन्होंने झंडा अपना जो है, बंगाल में जाके देखें जहां झंडा लहरा दिया इंडिपेंडेंट, इसलिए क्योंकि अब जो एक सेक्युलर चेहरा था इंडिया का वो मसख होके रह गया है। ये हिंदुत्व का राज है। आप देखें कि आरएसएस मेंटेलिटी, आपकी अरुंधति रॉय जो है वो इतनी बड़ी राइटर है, वो खुद कहती है कि आज आरएसएस यहाँ तो इतनी बर्बादी। उजमा जी आपने समझा दिया, तो फिर ये पाकिस्तान में क्या हो रहा है, ये पेशावर में कौन लोग हैं जो इस प्रकार की दहशतगर्दी कर रहे हैं? पाकिस्तान में सब कुछ ठीक ठाक है ना, जाना चाहिए। और एक आखिरी बात, आपके मेहमान तो मान गए हैं, इन्होंने खुद कहा कि इंडिया ने बांग्लादेश बनवाया, इसका मतलब है मुफ्ती बानी को 2.5 लाख फौज आपने इंडियन वहां पे उसमें मुदाखलत की और आपने उसके बाद उन पाकिस्तान को 2 लख कर दिया। तो आतंकवादी तो है वो, तो आप लोगों की हरकतें हैं जिनको जिनको जो एक्सेप्ट नहीं कर सके। पाकिस्तान जो है वो मशरकी पाकिस्तान जो रहे, आपने वहां पे इतनी कार्रवाइयां डाली। अच्छा अब आप बात करते हैं तालिबान की, देखें आप लोगों की 14 काउंसलेट्स हैं वहां पे बॉर्डर पे अफगानिस्तान में, और आप लोगों ने किसका साथ दिया था, अशरफ गनी की गवर्नमेंट का। अब आप लोगों को मुंह की खानी पड़ी क्योंकि 70% लोग अफगानिस्तान में तालिबान के फेवर में थे और उनको सपोर्ट कर रहे थे और इसी वजह से उनकी हुकूमत आ गई। और आप उजमा जी तालिबान की हुकूमत के पक्ष में हैं, तालिबान की नीतियों के पक्ष में हैं, तालिबान के तौर तरीकों के पक्ष में, इसी रूप में देखें आप? हम लोग तो गुनहगार हैं, हमें तालिबानी तरीके पसंद नहीं, चैनल में जिम्मेदारी के साथ बोलता हूं, उनके उसूल पसंद नहीं, उनकी हुकूमत करने का तरीका पसंद नहीं, उनकी सोच पसंद नहीं, ईमानदारी से कहते हैं कार्यक्रम में। तो आपसे जानना चाहता हूं, गलत कर रहे हैं आप, गुनाह कर रहे हैं, हमारा तौर तरीका गलत है, हम उनके तौर तरीकों के प्रति असहमति रखते हैं, गलती करते हैं, रहना चाहिए।
तालिबानी तौर तरीकों से ही इस दुनिया को चलना चाहिए, ऐसा ही उजमन नहीं करता। हम चाहते हैं कि जो वहां पे उनकी आवाम चाहती है, जो जमहूरियत है उसके मुताबिक जो वहां पे पॉपुलर हुकूमत है वही आए। अगर वो चाहते हैं कि तालिबान आए तो हम क्या कर सकते हैं, हम तो सिर्फ लोगों का साथ ही दे सकते हैं ना। तो ये लेकिन हमने अगर उनके सरजमीन से अगर TTP ऑपरेट करेगी, यहाँ पे हमारे जो है हमला करेगी, तो वो हम बर्दाश्त तो उजमा कारदार जी ने कमाल की बात कही है। तालिबानी तरीके अगर हैं और लोग पसंद कर रहे हैं तो हमें क्या दिक्कत है, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर तहरीके तालिबान पाकिस्तान में भी उसी को लागू करना चाहिए तरीके से, फिर क्या दिक्कत है, चलने दीजिए। बहरहाल कुल मिलाकर अगर भारत की सोच की बात है तो भारत ने हमेशा ही आतंकी तौर तरीकों के प्रति अपनी नाराजगी स्पष्ट तौर पर रखी है। आतंकी घटनाएं कहीं पर भी घटित हों, चाहे हिंदुस्तान में या पाकिस्तान में, उसकी मुखालफत की जाएगी, उसका जो भी मजबूती से जवाब दिया जा सकता है वो दिया जाएगा। इस उम्मीद के साथ पाकिस्तान के गृह मंत्री ने अगर आज ये माना है कि हमारे किए हुए पूर्व के कर्म ही हमारे लिए समस्या बने हैं, तो इस स्वीकारोक्ति के साथ ये उम्मीद कर रहे हैं हम कि भविष्य में अब ऐसे काम करने से बचा जाएगा, वो काम किए जाएंगे जो न केवल पाकिस्तान में बल्कि दुनिया में अमन कायम करे, शांति कायम करे, ताकि इस दुनिया में जो भी आया है वो सुकून के साथ रह सके। ये उम्मीद अगर पाकिस्तान से की जा रही है तो क्या गलत की जा रही है, इस पर आप विचार करें। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का। हमारा आज का शेर कहता है, जो बात मैंने तकरीर के तौर पर कही वही ये शायर ने कही कि एक तख्ती अमन के पैगाम की टांग दीजिए ऊंची मीनारों के बीच। अजीज नबील ने क्या खूबसूरत बात कही है, क्या लोगों को ये बात समझ में आएगी, ये सवाल है। इस सवाल का उत्तर मिलना चाहिए और सकारात्मक मिलना चाहिए। इस उम्मीद के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत, एक छोटे से ब्रेक पर जाएंगे। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो सार्थक संवाद के तहत प्रख्यात कथावाचक मानस मर्मज्ञ पंडित विजय शंकर मेहता जी के साथ संवाद करेंगे। संवाद होगा रामचरितमानस पर केंद्रित, उस रामचरितमानस पर जो पिछले कई वर्षों से इस देश में सौहार्द की समरसता की आधार भूमि तैयार करती रही है, उस रामचरितमानस को लेकर सवाल उठ रहे हैं। उन सवालों के उत्तर लेंगे पंडित विजय शंकर मेहता जी से। गए जाइए नहीं, गए और आए।